मासूम के साथ अत्याचार। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर से मासूमों को गलत काम की नीयत से गाड़ी में लेकर जा रहे युवक को भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं ने पकड़ा किया पुलिस के हवाले। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर रहने वाले मासूम बच्चों तक को दरिंदे अपनी हैवानियत का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जहाँ करीब बेसहारा बेघर मासूम बच्चे स्टेशन के आसपास ही अपना बसेरा डालकर वहीं अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उस बच्चे तक को दरिंदे नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन के बाहर सामने आया है, जहां मुरादाबाद में भाजपा महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा कमल शक्ति अभियान की चर्चा करके विधायक के कैंप कार्यालय से घर जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि स्टेशन के पास एक लग्जरी गाड़ी के अंदर गरीब बच्चों को एक युवक बिठा कर ले जा रहा है। जहाँ महिलाओं को शक हुआ कि इतनी महंगी गाड़ी में इन बच्चों को आखिर क्यों लेकर जाया जा रहा है। इसके बाद महिला मोर्चा की महिलाएं गाड़ी के पास गई और देखा कि 6 साल की बच्ची से लेकर 14 साल तक की लड़कियां गाड़ी में बैठी हुई थी। बाइक पे जा रहा था, कार लेके आ रहे थे। हमने बोला आज कार लेकर आएंगे, सब बाइक ले आएंगे। कहाँ ले जा रहे थे? घर पे लेके आता अपने रूम पे, वहीं पे सुलाता है रात भर। अच्छा भाई, और एक दिन ऐसा समय आया कि फिर लौट के नहीं आएंगे इसके साथ। एक गाड़ी में ऐसा भी हो सकता है ना, रात भर रोज लेके आता है। एक दिन ऐसा आएगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर लौट के नहीं आएंगे उस रात, ऐसा भी हो सकता है। क्या पता पास में कुछ नशा वाले कासीपुर के में से यही लेकर रहता है। ये लेके जाता तो को यही पे डाल ये मैं लेकर जाऊं। तो ये कौन है? इनके इनके साथ में रहता है ये। इसको देखो कौन है, ये बच्चा किसका है, कहाँ का है, इससे पूछो कहाँ लेके जाता है। मैम, क्या पूरी घटना थी कोतवाली की जो बच्चे वाला मामला था, क्या प्रोटेस्ट और क्या पूरा मामला? हम लोग 13 तारीख को अपना कार्यक्रम था, हम लोग का कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम जो पंचायत भवन में होना निश्चित हुआ था, हम उसी की समीक्षा कर रहे थे। हमारी पूरी टीम थी महिला मोर्चे की, और जब हमने देखा स्टेशन के पास हम लोग पहुँचे हैं तो उससे पहले ही हमने देखा एक लग्जरी गाड़ी में एक व्यक्ति बच्चों को बैठा ला था, और वो बच्चे भीख मांगने वाले थे। तो हमारे महिला मोर्चा अध्यक्ष हमारे साथी बोली, हेमा जी देखिए ये क्या हो रहा है, ये लगता है कि बच्चों को कहीं लेके जा रहा है। हमें मतलब शक्सा हुआ, हमने वहाँ गाड़ी को रोका भागते हुए, और वो गाड़ी को भगा रहा था। पब्लिक के सहायता से और हम लोगों की जो महिला मोर्चे की कार्यकर्ता थे उनकी वजह से हमने गाड़ी को रोक लिया, और उससे पता चला वो बच्चों ने बयान दिया कि ये हमारे को रोज़ ले जाता है और क्या नाम है, हमें नशा देता है और वीडियोस दिखलाता है, हमारे संग गलत कार्य करता है, वीडियो दिखलाता है। मतलब कुल मिलाकर एसएसपी साहब से क्या बातचीत हुई? उनके संज्ञान में यही मामला डाला गया कि जो मामूली सी धाराएं थी उससे हम लोग खुश नहीं थे कि ये गलत कार्य आगे मतलब पनपे ना, है ना, और पूरा संज्ञान ली जाए। जबकि एसपी साहब ने, पुलिस स्टाफ ने बहुत सहयोग किया और दोबारा गिरफ्तार कर उसके जेल भेज दिया गया। देखिए, कल कुछ महिलाएं जो एनजीओ या सोशल वर्कर्स भी थी, वो थाना कोतवाली पर आकर एक तहरीर उन्होंने दिया कि पिछले दिनों रेलवे स्टेशन के पास जो बच्चे वहाँ रहते हैं, एक लग्जरी गाड़ी जो वहाँ पे थी और वो बच्चों को गाड़ी में बैठा रही थी, और इन लोगों ने उन बच्चों को बरामद किया था, और बच्चे ने ये बताया कि प्रतिदिन जो है ये यहाँ आते हैं, इन लोगों को कुछ कुछ खाने पीने का सामान देकर इनसे जान पहचान भी है और इनको लेकर जाते हैं और इनके साथ गलत काम भी करते हैं। इस सूचना को तत्काल अभियोग दर्ज करते हुए और उस व्यक्ति की पहचान कराते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि ये प्रकरण संवेदनशील है और रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बेसहारा टाइप के हैं, तो उन सभी की शिनाख्त के लिए एएसटीयू की टीम, थाना कोतवाली की टीम और एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में लगा दी गई हैं, और उन बच्चों को बरामद करते हुए, उनको पहचान करते हुए, उनको सीडब्ल्यूसी के समक्ष उनके बयान कराए जाएंगे और उनके द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और बाकी छानबीन चल रही है।